हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भानुप्रिया एंड आई नो आप अगर आज मेरे साथ यहाँ पे हो तो डेफिनेटली या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो या कोई चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो या जो पढ़ते हो वो याद नहीं रहता या फिर पढ़ने बैठते हो तो फोकस नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, अपने काम में फोकस नहीं कर पाते, इस तरीके से परेशान हो एकदम। तो डोंट वरी, मैं लेके आ गई हूँ आज आप लोगों के लिए इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स हो किस लिए रही है पता है? बिकॉज योर थर्ड आई चक्र नीड्स वर्क, इट इज़ ब्लॉक्ड, या ऐसी एनर्जी है वहाँ पे, कंजेशन है जो अच्छी नहीं है, जो साफ नहीं है, फ्रेश प्राण ऊर्जा वहाँ पे नहीं पहुँच रही है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम आ रही है। और इन सबको आप हील कर सकते हो अपने थर्ड आई चक्र के ऊपर काम करके, थर्ड आई का हीलिंग करके। थर्ड आई चक्र ब्लॉक होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, क्या क्या सिचुएशंस आप फेस कर सकते हो, उसका एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, सिम्टम्स ऑफ ब्लॉक्ड थर्ड आई चक्र। उसका लिंक मैं आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। सो आज हम करेंगे एक गाइडेड मेडिटेशन टू हील योर थर्ड आई चक्र। इस मेडिटेशन को रेगुलरली करना, टाइम ड्यूरेशन में एंड में बताऊंगी कि कितने दिन तक करना है, बट अभी तो ये माइंडसेट रखो कि मुझे रोज ही करना है। कब करना है? सुबह भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे हर रोज ये टाइम पे मेरे थर्ड आई चक्र को हील करना है। बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी चक्र मेडिटेशन हम जब करते हैं तो वी हैव टू सिट स्ट्रेट, ठीक है, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे ऐसे झुक के नहीं बैठना है, लेकिन अकड़ के परेशान होके कमर में दर्द हो जाए ऐसे भी नहीं बैठना है, रिलैक्स स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए एंड रिसेप्टिव होने चाहिए आप, यानी कि हाथ ऐसे खुले होने चाहिए, इस तरीके से फोल्ड नहीं करने हैं, पैर को भी एक के ऊपर एक क्रॉस नहीं करना है। नीचे जमीन पे वो पालती करके पद्मासन में बैठते हैं वैसे बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चेयर पे बैठ के हम एक के ऊपर एक पैर रख देते हैं ना, ऐसे नहीं बैठना है, और हैंड्स को भी ऐसे फोल्ड नहीं करना है, दैट इज़ अ क्लोज्ड मुद्रा, उससे एनर्जी फ्रीली फ्लो नहीं हो पाती बॉडी में, तो हमें रिसेप्टिव होके बैठना है। बाकी की रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस मैं ड्यूरिंग मेडिटेशन दे दूंगी, तो स्टार्ट करें। चलो फोन को रख दो आगे, लेट्स स्टार्ट। सिट कंफर्टेबली विथ योर स्पाइन स्ट्रेट but in a relaxed position. Keep your hands and legs receptive, do not cross them, and start slow and deep breathing. Continue the slow and deep breathing and relax your body completely. Now imagine that a white light is entering into your third eye chakra. Your third eye chakra is located between your eyebrows. See that white light between your eyebrows. And now, whatever I speak, accept those statements wholeheartedly, be receptive to them. Let your subconscious accept those affirmations. I release all the blockages of my third eye chakra. I release all the blockages of my third eye chakra. I release all the blockages of my third eye chakra. My mind is strong, open and clear. My mind is strong, open and clear. My mind is strong, open and clear. My mind is free of resistance and open to possibilities. My mind is free of resistance and open to possibilities. My mind is free of resistance and open to possibilities. I clearly understand and follow my intuition. I clearly understand and follow my intuition.
I clearly understand and follow my intuition. My imagination is vast and endless. My imagination is vast and endless. My imagination is vast and endless. I allow myself to dream beyond the limit of my physical reality. I allow myself to dream beyond the limit of my physical reality. I allow myself to dream beyond the limit of my physical reality. I have the vision and clarity to see my path. I have the vision and clarity to see my path. I have the vision and clarity to see my path. I have the trust and confidence to walk my path. I have the trust and confidence to walk my path. I have the trust and confidence to walk my path. My intuition drives me to take inspired action with faith. My intuition drives me to take inspired action with faith. My intuition drives me to take inspired action with faith. I surrender to the highest good for all. I surrender to the highest good for all. I surrender to the highest good for all. I am connected to the wisdom of universe. I am connected to the wisdom of universe. I am connected to the wisdom of universe. I can manifest my vision easily. I can manifest my vision easily. I can manifest my vision easily. I am connected to my higher power. I am connected to the higher power. I am connected to the higher power. I trust the divine plan of universe. I trust the divine plan of universe. I trust the divine plan of universe. My thoughts are positive and loving. My thoughts are positive and loving. My thoughts are positive and loving. My third eye chakra is clean, healed, energized, and healthy. My third eye chakra is clean, healed, energized, and healthy. My third eye chakra is clean, healed, energized, and healthy. Take a long and deep breath in. Relax, and now you can slowly open your eyes. So I hope you felt the positive healing energy during this meditation. इस meditation को regularly आपको करना है, minimum 21 days करना है. इसका थोड़ा सा change, थोड़ा सा effect आपके thoughts में थोड़ी सी clarity देखने के लिए. मैं नहीं कह रही कि सिर्फ 21 दिन ही करना है, 21 दिन में कुछ एकदम से सब change हो जाएगा, सब बदल जाएगा, आप एकदम sorted हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा. But आपको वो थोड़ा सा ray of hope, थोड़ा सा change ज़रूर दिखेगा कि हाँ अब आई कैन एटलीस्ट ट्राई टू फोकस. मैं थोड़ी सी उस चीज़ को लेके पॉजिटिव हो रही हूँ या पॉजिटिव हो रहा हूँ, राइट? तो 21 दिन मिनिमम करना है, इसके इफेक्ट्स देखने हैं. यहाँ आके मुझे कॉमेंट करके बताना है कि येस इट हैज स्टार्टेड टू वर्क, एंड देन उसको कंटिन्यू रखना है. 90 डेज के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर बहुत हद तक चक्र का हीलिंग हो जाता है. तो आपको 90 डेज तो रेगुलर करना ही है, एक यू नो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस देखने के लिए.
और इसके अलावा चक्र हीलिंग के और भी तरीके हैं, आप बीज मंत्र चांट कर सकते हैं। बीज मंत्र चांटिंग का ऑलरेडी वीडियो मैंने डाला हुआ है, ठीक है, तो उसका लिंक भी आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा एनर्जी हीलिंग, रेकी हीलिंग सीख के सिर्फ थर्ड आई नहीं, अपने सारे चक्र को आप हील कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं अट्यूनमेंट के थ्रू, उसके अंदर एक फ्रेश लाइफ फोर्स एनर्जी भर के अपने आप को उस रेकी एनर्जी से ट्यून कर सकते हैं, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी से खुद को लिंक कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं, एक रेकी चैनल बन सकते हैं और खुद को कभी भी हील कर सकते हैं, साथ में दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हैं। रेकी हीलिंग के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं या हीलिंग सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेजेस ओनली। और जाने के पहले आई वुड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जिसने भी ये मेडिटेशन किया प्लीज़ रिवाइन हीलिंग एनर्जीज, सूदिंग एनर्जीज, पीस, लव एंड लाइट उन तक पहुँचाइए। एंड जो भी पर्पज़ के लिए उन्होंने ये आज मेडिटेशन किया है, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी पावर, इंट्यूशन इंक्रीज या अपने विचारों को थोड़ा काबू करने के लिए, तो प्लीज़ यूनिवर्स उनके पर्पज़ को फुलफ़िल कीजिए, उनके थर्ड आई चक्र को क्लीन, हील एंड एनर्जाइज कीजिए। सो बीट, सो बीट, सो बीट। ओके, सो आपको बहुत सारा लव, पीस एंड हीलिंग एनर्जीज मैंने भेजी है, उसको क्लेम करने के लिए कॉमेंट्स में लिखिए आई क्लेम दिस हीलिंग लाइट। एंड मेडिटेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।